अभी ब्राह्मण बरोबर पूज्य बनते हैं, कब पूज्य बनते हैं, हैं? पूज्य कब बनते हैं, हैं? शरीर का भान रहता है तब पूज्य बनते हैं, या शरीर के भान से परे चले जाते हैं तब पूज्य बनते हैं? शरीर के भान से परे निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाते हैं तब पूज्य बनते हैं। पीछे तुम पुजारी बनेंगे, फिर बैठ करके शिव बाबा का बड़ा लिंग बनाएंगे और फिर छोटा भी बनाएंगे, बैठ करके पूजा करेंगे, तो उसका नाम ही रखा हुआ है रुद्र यज्ञ। क्यों नाम रुद्र यज्ञ क्यों रखा, नाम शिव यज्ञ क्यों नहीं रखा, नाम शंकर यज्ञ क्यों नहीं रखा, कृष्ण यज्ञ नाम रख देते वो भी नहीं रखा, रुद्र यज्ञ नाम क्यों रखा, क्योंकि वो रौद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा भयंकर रूप धारण करते हैं जिसमें सारी दुनिया की आहुति लग जाती है, सब स्वाहा हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ नहीं, वो सिर्फ रुद्र यज्ञ रचते हैं। क्यों है रुद्र यज्ञ का नाम क्यों है इतना, है यहाँ की यादगार है, यहाँ पुरुषार्थ के अंतिम समय में रौद्र रूप धारण करता है रुद्र, रुद्र शिव को कहा जाता है ना, लेकिन शिव ज्योतिबिंदु रुद्र है या शिव का एक ही नाम है, शिव ओ बिंदु का नाम तो एक ही है, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसे वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। तो बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है, क्या कहा, क्या बनाने के लिए है, शालिग्राम और शिव का लिंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है, मिट्टी माने हैं, बेअभिमानी की मिट्टी। बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास का मतलब क्या हुआ है, बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास और बड़ी बड़ी थर्ड क्लास का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े फोर्थ क्लास कैसे, फर्स्ट क्लास कैसे है? अरे कोई तो कारण होगा, ऐसे ही फालतू थोड़े ही बोलते हैं फर्स्ट क्लास। माना जो निरंतर याद में रहते हैं उनका देह अभिमान रूपी मिट्टी कैसी हुई है, फर्स्ट क्लास हुई, और उनका बैठ करके यह करते हैं यज्ञ, तो ये मिट्टी पूजा हुई ना। उनका बैठ करके यह करते हैं, क्या करते हैं, हैं? यह करते हैं, यह क्या करते हैं, हैं? नाम रखा है रुद्र यज्ञ, ऊपर बोला है ब्राह्मण पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, ब्राह्मण पूजा करते हैं, और पूजा कौन करते हैं, जो पहले कभी क्या थे, पूज्य थे, संगम में पूज्य बने थे, पहले संगम में जो पूज्य बने थे वो ही ब्राह्मण भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, अभी ब्राह्मण बरोबर पूज्य बनते हैं भक्ति मार्ग में, पूजा करते हैं, और अभी अभी वो ही ब्राह्मण जो पूजा करते थे द्वापर में वो ही अभी क्या बनते हैं,
पूज्य बनते हैं। पीछे तुम पुजारी बनेंगी, क्या बोला? पीछे अभी नहीं, जब वो ब्राह्मण पूज्य बनते हैं तब पीछे तुम पुजारी बनेंगी। किसके लिए बोला? घी है, ये किसके लिए बोला? वो तो पूज्य बन गए हैं, बनेंगी, ये किसके लिए बोला? हैं? नारी सुलक्ष्मी के लिए। वो पहले पूज्य बनेंगे, पीछे तुम पुजारी बनेंगी, फिर बैठ करके शिव का लिंग बनाएंगे और फिर छोटा भी बनाएंगे। तो देखो, फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है और बैठ करके उनका ये है करते हैं, तो ये मिट्टी पूजा हुई ना, मिट्टियों का ये चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। मिट्टियों का क्या चित्र बनाते हैं? अरे मूर्ति बनाते हैं। रुद्रयज्ञ में मूर्ति बनाई जाती है कि लिंग और शिवलिंग बनाया जाता है? हैं? हाँ, छोटे छोटे सालग्राम बनाते हैं क्या? नाप तौल की मिट्टी की बनाते हैं कि छोटे बड़े बनते होंगे? हैं? अरे जो सालग्राम बनाते हैं वो नाप तौल के बनाते हैं? हैं? एक मिलीग्राम ज्यादा तो नहीं हो गया, एक कम तो नहीं हो गया, या नंबर वार है? छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटे का क्या मतलब है और बड़े का क्या मतलब है? कहीं कहीं तो बड़े बड़े शिवलिंग बनाए देते हैं, हैं? दक्षिण भारत में बाहुबली की मूर्ति कितनी बड़ी बनाई दी, आंध्रा में जाए तो हनुमान की मूर्ति कितनी बड़ी बनाते हैं, शंकर की मूर्ति बहुत ऊंची बनाई देते हैं बड़ी बड़ी, पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाए देते हैं, क्या मतलब हुआ? बड़े का मतलब क्या है? कोई बड़ा काम किया है तो चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। बनते तो सब मिट्टी का है ना, क्या चाहे शिवलिंग हो चाहे सालग्राम हो, क्या सोने के बनते हैं? हाँ, मिट्टी के ही तो बनते हैं, क्यों सब मिट्टी के क्यों बनते? अरे अरे मिट्टी के ही क्यों बनते हैं, सोने के क्यों नहीं बना सकते? कोई को सुना कि सोने का सालग्राम बनाया? सुना नहीं? सुना क्यों? मिट्टी का ही क्यों बनाते हैं? अरे मिट्टी माना क्या है? देवान की मिट्टी, और वो देवान की मिट्टी चैतन्य होती है या जड़ होती है? चैतन्य होती है, तो वो लिंग और सालग्राम भी कैसे होते होंगे? अरे चैतन्य हुए होंगे। ये मंदिर वगैरह पूजा में बनाते हैं, जो यादगार बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? पूजा में बनाते हैं। पूजा किसकी होती है? पूजा का कनेक्शन किस चीज से है? प्योरिटी से पूजा का कनेक्शन है। अगर पूजा जिनकी करते हैं वो पवित्र न रहे होते, पतित बने होते, तो पूजा होती? पतित बनने वालों की पूजा नहीं होती है। अब अक्टूबर आता है, क्या अक्टूबर महीने में क्या होता है? दीपावली आती है, अक्टूबर आता है या दीपमाला का समय आता है, तो ये सभी बैठ करके मिट्टी से ही ठिककर भित्तर के चित्र बनाते हैं। यहाँ भारतवासियों का नाम ही है कि ये है गुड़ियों की पूजा, ये भारत है गुड़ियों की पूजा करने वाला आइडल प्रस्थ। तो आइडल किसके बनाते हैं मालूम है ना?
अरे आजकल सड़कों पर बने बनाए बड़ी बड़ी मूर्तियां गणेश जी की और देवियों की और देवताओं की रखी रहती है कि नहीं? काहे के बनाते हैं ये आइडल? किसके बनाते हैं? अरे सोने के बनाते हैं, चांदी की बनाते हैं, मिट्टी की बनाते हैं। तुमको मालूम है ये काहे की बनाते हैं? मालूम है? नहीं मालूम? माताओं कुछ भी नहीं मालूम, भाइयों को मालूम है, हैं? किसके बनाते हैं? मिट्टी की बनाते हैं। अरे जड़ मिट्टी के बनाते हैं कि चैतन्य मिट्टी के बनाते हैं? हैं? अरे जो भक्ति मार्ग में तो सारा जड़ की यादगार बनती है, और ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में वो सब चैतन्य होते हैं, ये सभी यादगार के लिए मिट्टी के बनते हैं। भक्ति मार्ग में होती है जड़ मिट्टी, और ज्ञान मार्ग में होती है चैतन्य देह अभिमान की मिट्टी। तो अभी बच्चों को मालूम है? बच्चों को मालूम है? किसने कहा है? बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा है? ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि में भी ये सब दुनिया भर की लटिंगबाजी नहीं आती है, तो बच्चा बुद्धि वो क्या जाने ये सब दुनिया भर का रागमाला। तो अभी बच्चों को मालूम है कि जरूर जो हो करके गए हैं उनका फिर चित्र बना करके पूजा पुजारी करते हैं। पहले प्रैक्टिकल में किया है तो बाद में उसके चित्र बनते हैं, पूजा करते हैं। यह हुआ पुजारीपना। सतयुग और त्रेता में पुजारीपना कोई नहीं था एकदम, तो कहां था? हाँ द्वापर कलयुग में था। सतयुग त्रेता में पुजारी पना नहीं था तो शूटिंग कहां होती है? अरे ये पुजारी पने की भी शूटिंग कहीं होती है या नहीं होती है? नहीं होती है? होती है। तो सतयुग त्रेता में ये पुजारी पने की शूटिंग नहीं होती और ना पुजारी पना होता है। सतयुग त्रेता में आधा कल्प ज्ञान बिल्कुल कोई भी पूजा का अंग भी नहीं था क्या? है सतयुग त्रेता में देवताओं के वो अंग होते हैं जिनकी यादगार में वो लिंग और शालिग्राम बनाते हैं छोटे बड़े? होते हैं? वो तो अंग ही वहां नहीं होता। कहाँ होता है फिर? बस द्वापर कलयुग में पूजा के लिए होता है, उसकी शूटिंग कभी नहीं होती। हाँ कभी किसी की पूजा नहीं हो गई सतयुग त्रेता में। और फिर पुजारी गया भी तो भारत में जाता है, आप ही पूजे आप ही पुजारी। अभी मनुष्य जब कहते हैं आप ही पूजे आप ही पुजारी तो भगवान को कहते हैं। आप ही पूजे आप ही पुजारी किसको कहते हैं भक्ति मार्ग में? भगवान को कहते हैं। और फिर कहते हैं ये सभी भगवान है क्या? ये जितने भी चित्र रखे हैं मंदिरों में ये सभी भगवान है। हनुमान भी भगवान, गणेश भी भगवान, देवी जी भी भगवान, सब भगवान। यही भगवान आप ही पूज्य बनते हैं। सांप की भी पूजा करते हैं तो वो भी क्या हो गया? नाग देवता हो गया, नाग भगवान हो गया। यही भगवान आप ही पुजारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है उल्टी ज्ञान की गंगा। क्या बनते हैं? खुद नाग बनते हैं तो खुद बनते हैं, बंदर हनुमान बनते हैं तो खुद बनते हैं, गणेश बनते हैं तो खुद बनते हैं। और लगाते किसके ऊपर हैं? भगवान के ऊपर लगाए देते। ये एक उल्टी गंगा है, सुल्टी नहीं, उल्टी गंगा। तो तुम मोस्ट वेलेबल जानते हो। उफ बस इन जैसा बाबा जिनको तुमने बुलाया है, हे पतित पावन, हे भगवान, हे रहम दिल, कब बुलाया? द्वापर बुलाया। अभी तो नहीं बुलाते ना, अभी शूटिंग तो नहीं करते होंगे। हाँ हाँ अभी शूटिंग नहीं करते। आधा कल्प आवाहन करते ही रहते हैं। सतयुग में तो आवाहन नहीं करेंगे ना? करेंगे
सतयुग में तो आवाहन नहीं करेंगे। बाप पूछते हैं, मैं तुमको सतयुग का मालिक बना रहा हूँ, बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि जानते हो कि गॉडफादर सबसे स्वीटेस्ट, तो स्वीटेस्ट मीठे से मीठा है, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान गाते हो ना, देखो शिव भोला भी एक का नाम है ना, क्या शिव भोला किसका नाम है, दो का नाम है कि एक का नाम है, एक का नाम है ना, एक बिंदी का नाम है, क्यों एक बिंदी का नाम कहें तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अगर कहें शिव भोला ये एक का नाम है, वो एक ही बिंदी है जिसका नाम है उसके काम के आधार पर, शिव भोला स्वीटेस्ट, तो वो एक कौन कहेंगे, एक बिंदी पहचानेंगे है, ढेर की ढेर बिंदियां, 500 700 करोड़ बिंदियां कैसे पहचानेंगे कौन भोला भगवान, तो कैसे पहचानेंगे है, जब साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं तो शंकर थोड़े ही नाम डालेंगे है, वो भोला है कि सबको जलाए कि भस्म कर देता है, भोला है कि भाला है, गायन क्या है, अरे उसका गायन है शिव शंकर भोले भाले, भोले पहले भाले बाद में, शिव पहले शंकर बाद में, तो ये भाले कौन हुआ, शंकर भाले हो गया और शिव शिव भोले हुआ, तो शंकर हम थोड़ा ही डालेंगे, क्या डालेंगे, जैसे बाबा कहते हैं बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा बाबा पूछते थे ना, पूछते थे किसकी गोद में आए, तो बच्चे कहते बाबा हम आपकी गोद में आए, तो फिर जो बच्चे कहते बाबा हम तो शिव बाबा की गोद में आए, तो कहते तुम बच्चे पास, तो शंकर नहीं है, शिव निराकार है, शंकर तो आकार ही है ना, है शंकर निराकार है कि आकार ही है, आकार ही है, दोनों को कैसे मिला सकते हैं, वो आकारी मनन चिंतन मंथन में रहने वाला और वो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहने वाला कौन, शिव, तो दोनों को मिलाए कैसे सकते हैं बताओ, कैसे मिला सकते हैं, हैं हैं हाँ, निराकारी आकर के कोई साकार में प्रवेश करते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं वो सेवा करते हैं बच्चे, तो जो सेवाधारी बच्चे होते हैं उनको बाप बहुत याद करते हैं, और बाप जिन बच्चों को याद करते हैं उनकी याद तीखी होगी या हल्की होगी, तीखी याद हो, जितनी तीखी याद होगी उतनी निराकारी स्टेज भी बनेगी कि नहीं बनेगी, और जितनी निराकारी स्टेज बनेगी सूक्ष्म स्टेज बनेगी उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा या नहीं चलेगा, बुद्धि महीन होगी तो निराकारी मंथन चिंतन जरूर चलेगा निराकारी बनने वाली आत्मा का, तो बताया बोला पूछा दोनों को मिलाए कैसे सकते हो, तो कैसे का जवाब देंगे या नहीं देंगे, है क्या जवाब देंगे, कि निराकारी आकर कोई साकारी में प्रवेश करते हैं और वो साकार ईश्वरीय सेवा में सबसे आगे जाता है तो बाबा भी उसको सबसे जास्ती याद करते हैं, जिसको शिव बाबा भगवान जास्ती याद करेगा उसकी याद तो कैसी हो जाएगी, बहुत तीखी हो जाएगी, जो याद में तीखा जाएगा उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी उतनी ज्ञान की गहराई में जा सकेगा, तो देखो शिव और शंकर को मिला ही दिया है, देखो ये कैसी मूर्खता कर दी है, ये मूर्खता हो गई ना, शिव और शंकर को मिला ही दिया, वो निराकार और वो शंकर आकारी,
दोनों को कैसे मिला सकते? माना बाबा बताते नहीं है, है? तो बुद्धि को उकसाते हैं कि जो बच्चे मेरे को याद करते हैं, निराकारी बाप को साकार में याद करते हैं, तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाए? हैं? हाँ, बुद्धि चलायमान हो जाए इस बात में कि बाबा क्यों पूछते हैं। तो बाप बैठ करके कहते हैं कि देखो दुनिया में कितने मूर्ख बन गए, माया ने कितना बेसमझ बनाई दिया है। अच्छा, ओम शांति।
आज का रात्रि क्लास है 23/6/1964। राधे को कोई जगदम्बा नहीं कहेंगे, सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं। गफलत है। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बराबर ही है, रात दिन का फर्क है। उन शास्त्रों से बराबर रात दिन का फर्क है कि उस गीता से रात हो पड़ती है और इस समय भगवान जो बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं उसमें दिन हो पड़ता है। तो ये रात दिन का फर्क है। जैसे दंत कथाएं देखने में आती हैं, अब महाभारत की कितनी मान्यता है, देखो महावीर और महावीर ने बैठे हुए हैं, नाम है शिव शक्ति, बहुत अच्छा नाम है और बहुत गाया हुआ है, परंतु इस समय में शिव की ये सब शक्तियां हैं। शिव की शक्ति मेल के लिए भी यही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो देखो ये कहा जाता है कि शक्ति माताओं के लिए, परंतु माताओं के लिए भक्ति भी। क्योंकि शक्ति मिलती है सर्वशक्तिवान से, तो ये हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान। और सर्वशक्तिवान ही ईश्वर की स्थापना करते हैं, तो ये फिर उनके बच्चे हैं। ये बच्चे भी अभी जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि बाप जो सर्वशक्तिवान है उनके साथ मिलकर के बच्चों को नशा भी रहता है, क्योंकि हम आत्माएं शरीर द्वारा श्रीमत पर इस भारत को सर्वोत्तम बनाए रहे हैं। श्रीमत पर भारत की सर्वोत्तम सेवा कर रहे हैं, और सेवाएं तो अनेक है ना, उनमें ये है सबको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माना ही प्योर। प्योरिटी में ही मुक्ति लगी हुई है। तुम बच्चे जैसी सर्विस करेंगे वैसी ही तुम्हारी यादगार बनेगी, इसलिए तुम्हारी जो इतनी सर्विस है उसकी यादगार है। ये सिद्ध करते हैं कि इन्होंने इतनी सर्विस की है। कितनी?
जितनी इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, जितने इनके मंदिर बने हुए हैं, कोई के छोटा मंदिर है, कोई का बड़ा मंदिर है, कोई का भव्य मंदिर। अभी तुम बच्चे जानते हो, समझते हो कि तुम बच्चों ने जो भी सर्विस की, कलप पहले जो सर्विस की, उनका ये मंदिर भक्ति मार्ग में बनाया हुआ है। फिर ये खत्म हो जाएंगे तो यहां बच्चे हरेक की ऑक्यूपेशन, हरेक की बायोग्राफी बता सकते हैं। तो बुद्धि में जो अच्छे बच्चे हैं उनको फिर नालिस फुल कहेंगे, और जो सिर्फ याद में रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनमें तो नॉलेज कम रहती है। तुम बच्चों में कई कई में नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, बुद्धि में सारी नॉलेज फिरती रहती है, और जो कम बुद्धि वाले हैं उनको ये नॉलेज है कि हाँ बाबा है और बाबा का वर्षा है। वो जो डिटेल में है, वो जैसे बीज और झाड़, बस इतना ही समझेंगे। तो वो भी अगर नॉलेज फुल भी भले कोई है, तो उनसे भी ये बच्चियां अगर सिर्फ याद में रहे, भले इन्होंने इतनी बड़ी नॉलेज न भी हो, और उसमें ऐसे इनकी तीखी याद हो, क्योंकि भले कोई योग में भी रहते हैं अच्छे, इसको नॉलेज भी अच्छी है, परंतु नहीं, उनसे भी अगर कोई अच्छी तरह से याद की दौड़ी पहने, तो कोई भी बच्चे बहुत ऊंचे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बुढ़ियों में नॉलेज नहीं रहती है, समझाए नहीं सकती है, तो ऊंची नहीं जा सकती है। नहीं, अगर याद में रहती है तो बहुत ऊंची जा सकती है। क्योंकि माया याद में ही विघ्न डालती है, ज्ञान के मनन चिंतन में विघ्न नहीं डालती है। इसलिए याद का चार्ट रखना, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, याद के साथ वर्षा भी समाया हुआ है। तो अगर कोई याद का चार्ट रखते रहे तो वो बच्चे बहुत ऊंचे पद पा सकते हैं। क्योंकि तुम बच्चे कर्मयोगी तो हो, इसलिए माताओं के लिए कहते हैं, ये अहल्याएं, ये बिचारी बच्चियां क्या सीखेंगी, इनको क्या इतना कहां याद कर सकती है। ये कौन आया तो इस समय में बच्चों को ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज फिर कोई को भी नहीं है। देखो
दुनिया में कितने बड़े बड़े फिलासफर है, डॉक्टरों का कैसा कैसा पद होता है, ये फलाना क्या है। बाहर में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और बहुत धनवान हैं, और देखो यहां कैसे बच्चे बैठे हुए हैं, और इनमें फिर कितनी नॉलेज है, इनमें कितना नशा है कि हमारे जैसी नॉलेज दुनिया में और कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं होती है। तो इस बात का नशा रहता है ना, सिर्फ एक लफ्ज है, और वो शास्त्र वगैरह तो अथाह है, तुम्हारी एक सेकंड की बात, वो अनेक शास्त्र वगैरह तीर्थ जप तप करते कुछ भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं पा सकते हैं, और तुम्हारा एक अक्षर मनमना भव मत्यादि भव, देखो ये बहुत भारी मंत्र है ना, उसमें सब कुछ समाय जाता है। इन दो अक्षरों में अलफ और बे, बस उसमें सब आ जाता है। कौन से दो अक्षर? मनमना भव मध्यादि भव। अलफ मन अल्लाह और बे मन रचना, बात सही। अलफ माना ही रचयिता, सृष्टि में सभी धर्मों के इतने जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र हैं, वो सब इन दो अक्षरों में समाये जाते हैं। कौन से दो अक्षर बताए? मन मना भव मत्यादि भव। देखो थोड़े से अक्षरों में बिल्कुल ही मुक्ति जीवन मुक्ति सेकंड में समाई हुई है। 23 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी गाते तो बहुत हैं, और राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। एक पांडव गीता भी है, अष्टावक्र गीता है, और पढ़ते भी बहुत हैं। पढ़ी भी है परंतु कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अभी देखो दो अक्षरों में बाप से क्या मिल जाता है, उन दो अक्षरों को तो याद करना चाहिए ना, उसमें भी कौन से दो अक्षर? मन मना भव मध्यादि भव। परंतु उसमें भी खास किसको याद करना है? मन मना भव मेरे मन में समा जा, अर्थात जो मेरे मन में संकल्प है वो ही संकल्प तेरे मन में हो, जिसके लिए वो गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई,
अब लीन होने की तो बात ही नहीं है। सदा काल के लिए लीन होती है क्या? है वो अंत समय की यादगार है, जब इस सारी सृष्टि का विनाश होता है तो सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उनके संकल्प इसके संकल्प में समाये जाते हैं, हैं? बाप के संकल्प में समाये जाते हैं। उस समय बाप का संकल्प क्या होता है, हैं? अरे किस संकल्प में समाये जाते हैं? मत मना भव, मन मना भव, मेरे मन में समाय जा। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं देह को देहभान को छोड़ करके कहां जाएंगी, हैं? परमधाम जाएंगी। उस समय क्या संकल्प होगा? मन मनम अर्थ क्या? मन, अरे परमधाम जाएंगी तो क्या स्थिति होगी? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प नहीं। बाप भी जीत ज्योति बिंदु और हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु। तो देखो इस याद में सब कुछ समाया हुआ है, बेबी उसमें आ गया। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, इसमें बेबादशाही भी समाई हुई है। अलग के बाद रचना शुरू होती है ना, अलग मना अल्लाह, ऊंचते ऊंच अल्लाह क्या देते हैं, हैं? अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की रचना करते हैं। उस धारणा से देवताई सृष्टि की स्थापना होती है, बड़े से बड़े राजा बन जाते हैं। उस बड़े से बड़े राजा का नाम क्या है, है? नारायण। ये नाम क्यों पड़ा, है? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, ज्ञान जल में ही उनका घर है। तो बताया अलग के बाद बे, फिर होता है ते से वगैरह वगैरह। तो बस तुम बच्चों ने सिर्फ अलग को याद किया, बाप को याद किया, तो वर्षा जरूर याद पड़ता है। अभी है कितना सहज, कोई सिर्फ ये याद करता रहे तो सदा ही यूं ही खुशी में बना रहे। वो मनुष्य कितना भी लखपति करोड़पति और ये बिल्कुल ही गरीब, बस ये याद करते रहे तो भविष्य में हम विश्व के मालिक बन जाते हैं।
कैसे बने? योग बल भी कब आता है? याद माने ही योग। हाँ, जितनी पहचान होती है, जानकारी होती है, उतना ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो ये पढ़ाई हुई ना, जो जितना पढ़ाई पढ़ता है उतना ऊंची कुर्सी का मालिक बनता है। अभी तुम बच्चे छोटे हो, पढ़ रहे हो, बाप को अपना बनाया और झट से फिर शुरू हुई पढ़ाई। बच्चा पैदा हुआ, देरी थोड़ी ही लगती है। बच्चा पैदा हुआ और पढ़ाई शुरू हुई, एक सेकंड में बच्चा पैदा हुआ और एक सेकंड में पढ़ाई ली। और देखो पढ़ाई एकदम कितनी थोड़ी है, है? एकदम कितनी थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी है, है? थोड़ी है। एक तरफ कहते हैं सारे सागर को स्याही बनाओ और जितना भी जंगल है उनकी कलमें बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। तो थोड़ी हुई कि ज्यादा हुई? अरे वो तो है विस्तार, लेकिन विस्तार का सार क्या है? लास्ट में निरंतर याद, आत्म की स्थिति में समाये जाएंगे। जैसा बाप वैसे बच्चा। तो देखो बस बाबा कहने से विश्व की बात सही की याद आ जाती है। तो इस हालत में तो बहुत खुशी में रहना चाहिए ना, और बरोबर गायन भी है कि गोप गोपियों से अतीन्द्रिय सुख को पूछो, जो नशा चढ़ा हुआ है कमाई का, जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ है, और तकलीफ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है बेबियां? देखो ये बेबियां भी अगर खड़ी हो जावे दो अक्षर हैं इनके लिए, कोई जास्ती नहीं है। शूद्र बुद्धि वाले इशारे में समझते हैं। कौन से सन की बात? 64 की बात। बेबियों की तरफ इशारा किया। बेबी किसे कहा जाता है? छोटी छोटी बच्चियों को बेबी कहा जाता है। खड़ी हो जावे मना, उस समय खड़ी नहीं है। आगे टाइम ऐसा आने वाला है, ये छोटी छोटी बेबियां भी खड़ी हो जाएंगी, तो क्या करेंगी? बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारेंगी। अब देखो जैसे राजा कोई होता है, कोई गरीब को एडॉप्ट किया,
तो उस गरीब बच्चे को राजा का नशा चढ़ा, अल्पकाल का नशा चढ़ा या सदाकाल का चढ़ा? सदाकाल का चढ़ता है। दुनिया में मिसाल दिया, कोई राजा है उसके बच्चे नहीं है, उसने कोई गरीब बच्चे को गोद ले लिया, तो बच्चे को जो नशा चढ़ेगा वो एक जन्म का नशा चढ़ेगा कि जन्म जन्मांतर के लिए चढ़ेगा? तो अल्पकाल का हुआ ना। अब ये भी ऐसे ही है, सभी गरीब तो है ही, जीवन मुक्ति ये सस्ता सौदा हुआ ना, इसलिए ये नाम इनका ऐसे ही गाया जाता है। भोलानाथ कितना मीठा, कितना प्यारा, जो सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। और ये बाप भी ऐसे ही कहते हैं ना, गाते तो हो ना, गाते आए हो सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तो जरूर है कि भक्तों के लिए जब मैं आऊंगा तो भक्तों के लिए कोई सौगात ले आऊंगा ना, इनको याद जो करते रहते हो, कोई तो सौगात ले आऊंगा ना, तो मैं सौगातें ले आता हूं। तुम्हारी दोनों मुट्ठियां भरता हूं, क्या 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 भरता हूं? दोनों मुट्ठियों में क्या भरता हूं? बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बंद करके आता है कि खुली मुट्ठी लेके आता है? है दोनों मुट्ठियां बंद होती है ना। तो तुम बच्चे भी बने हो, तुम्हारी दोनों मुट्ठियों में सौगात दी है। क्या सौगात है? वो तो गाते रहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो तुम्हारी दोनों मुट्ठियां भरता हूं, दोनों मुट्ठियों में क्या क्या भरता हूं? हैं? दोनों मुट्ठियों में विश्व की बात सही है। एक मुट्ठी में मुक्ति और एक मुट्ठी में जीवन मुक्ति। कौन सी मुट्ठी में मुक्ति और कौन सी मुट्ठी में जीवन मुक्ति? बाई मुट्ठी में मुक्ति और दाई मुट्ठी में जीवन मुक्ति। और जिनको मुक्ति देता हूं उनको भी नंबरवार जीवन मुक्ति तो मिल ही जाती है। कितनों को मुक्ति मिलती है? हैं? मुक्ति कितनों को मिलती है? हर मनुष्य मात्र को मुक्ति मिलती है इस पुरानी दुनिया के बंधन से, दुखों के बंधन से। जन्म लेते हैं तो भी रोते रोते, माता भी रोती, बच्चा भी रोता। जिंदगी जीते हैं तो भी रोने की जिंदगी, और मरते हैं तो भी दुख, जन्म जरा मरण दुख ही दुख। तो इनसे मुक्ति हो जाती है, ये तो सबको मिलती है। पर नंबरवार जीवन मुक्ति क्यों?
हाँ, मुक्ति में जाने का जो जितना तीव्र पुरुषार्थ करता है, जितना पहले नंबर में मुक्ति में जावेगा, उतना उतना पहले नंबर में जीवन मुक्ति में आवेगा। बाकी मुक्ति सबको मिलती है और जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। एक समान मिलती है क्या? मुक्ति एक समान नहीं मिलती है? मुक्ति एक समान कहाँ? एक समान एक साथ जाते हैं कि नंबर वार जाते हैं? तो नंबर वार जाते हैं और नंबर वार आते। पीछे वो सतो प्रधान बन जाते हैं। जो जिस नंबर में मुक्ति में आते हैं, जब आएंगे मुक्ति से वापस आएंगे तो सतो प्रधान तो होंगे ही। अच्छा, बच्चे राजी खुशी बैठे हैं, बाबा ने कल यहां कहा था कि वो हम फिर खिलाऊंगा। क्या? अभी नहीं, कल कहा था खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? हलवा खिलाऊंगा? नहीं, कल की वाणी की बात है। कोई बच्चे ने गोल गप्पे की मांग की तो बाबा ने कहा आज नहीं, फिर देखेंगे। तो यहां कहा था कि वो हम फिर खिलाऊंगा, तो देखा कि आज बच्चियां बहुत बिजी थी, क्या क्या बनाए रही थी। तो ये गोलगप्पा, ये माने क्या? ये गोलगप्पा गुरुवार के दिन रखा है। क्या? गुरुवार के दिन रखा है, ठीक है ना? कौन सा बात? गुरुवार या सतगुरुवार? है सतगुरुवार के दिन गोलगप्पे का प्रोग्राम रखा है। ठीक है ना? सदगुरु का पाठ आज में होता है या अंत में होता है? अंत में होता है, अभी तो नहीं हो सकता। हो सकता है? अभी तो नहीं है। तो फिर गोलगप्पा अभी खाओगे? तुम सबसे जास्ती यहां बाबूजी को रहना है। है तो तुम सब का प्रोग्राम, बाबूजी कोई प्रोग्राम से थोड़े ही आया है। इनविटेशन थोड़ा आया हुआ है बाबू, तुम प्रोग्राम से आए हुए हो। लिखा जाता है 7 रोज रहेंगे। किसके लिए लिखा गया? बाबूजी के लिए। 15 की पार्टी आएगी, 15 रोज के पहले तुम बच्चों को इत्तला देना है। देखो इनके लिए कितना कंडीशंस हैं,
और बाबू के लिए कोई कंडीशन नहीं। इसलिए कम से कम एक मास ऐसे अगर कोई बिल्कुल जरूरी काम न पड़ा तो ये मार्जिन दी जाती है। अच्छा बाजा बजाओ, इतना बिल्कुल काफी है बच्चों के लिए। थोड़ी देर बाजा बजा, बोला इतना बिल्कुल काफी है बच्चों के लिए। उसमें भी एक अक्षर में सब कुछ है, अलफ में ही सब कुछ है। देखो तो कितनी थोड़ी सी बात, इस अलफ को कोई भी जान नहीं सकते हैं। किस अलफ को है? 2500 वर्ष से इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, ग्रेट फादर्स, महात्माएं आए, पंडित विद्वान आचार्य आए, इस अलफ को कोई नहीं जाना? इस अलफ को कोई नहीं जाना। अच्छा देवताएं जान सकते हैं? सतयुग त्रेता में जो भी जन्म लेने वाले देवी देवताएं हैं वो इस अलफ को जान सकते हैं? उनकी तो सात्विक बुद्धि होती है, जान सकते हैं? सिर्फ है तुम जानते हो अलफ को। अभी जैसे कि अल्लाह के बच्चे बैठे हुए हो तो अल्लाह भी है और फिर साथ में है अल्लाह मियां कहते हैं ना, तो मियां के साथ कौन होगी? हाँ बीबी भी बैठी हुई है। कैसे है? कौन है अल्लाह और कौन है बीबी? अरे कौन से सन की बात है? हैं? 64 की बात है। अल्लाह कौन और उस समय बीबी कौन? तक्षण, उसी पर समय की बात बताई ना, कौन हुआ अल्लाह? अरे अल्लाह किस में बैठा बोल रहा था? ब्रह्मा में, नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ, तो वो हुई बीवी और अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, तो कौन हुआ ऊंचे थे ऊंचा? हैं? शिव बाबा, वो तो ब्रह्मा ही हो गया फिर। शिव बाप, बाप तो परम धाम में कहा जाता है, आत्माओं का बाप कहाँ? परम धाम में। ऊंच और नीचे कहाँ होता है? इस सृष्टि पर होता है। तो 64 में ये अल्लाह भी बैठा हुआ है, अल्लाह भी है और बीबी भी है, ये कैसे बोला? हाँ जो ऊंचे थे ऊंचे पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, अल्लाह जिसको मुसलमान कहते हैं, उसको इमर्ज किया हुआ, तो उनके बच्चे बैठे हुए हो तुम,
किनके? मेरे बच्चे नहीं कहा, किसके बच्चे? उना अल्लाह के बच्चे तुम बैठे हुए हो। कहेंगे माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हो तो मजा है ना। अच्छा चलाओ बच्ची, क्या चलाओ? रिकॉर्ड चलाओ, म्यूजिक बजा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट।